चक्रवर्ती और शेट्टी, ये क्या बोल रहा है? उन दोनों की दी हुई इन्फॉर्मेशन से इंडियन गवर्नमेंट ने इंटरपोल को प्रेशराइज किया हमारे खिलाफ वारंट जारी करने के लिए। सही सबक सिखाते दीवान, अब तेरी बारी है, दिखा दो। साला कभी शेट्टी से बगावत की उम्मीद नहीं की थी मैंने। मैं तो आपको पहले से ही कहता था इन पे उतना विश्वास मत करो, मत करो। आप कहते थे ये कंपनी को ऊपर लेके जाएंगे, मगर आज देखो क्या हुआ, इन्होंने कंपनी को नीचे लेके चले। कंपनी नीचे नहीं जाएगी दीवान, उन समुद्र की लहरों की तरह है, जितना नीचे जाता है उतना डबल ऊपर आता है, कंपनी को कुछ नहीं होगा। तो बेच दो दीवान, आरडीएक्स से भरा हुआ यार्ड सबको तबाह कर दो। ऐसे धमाके का इंतजाम करूंगा कि हर दिवाली पर हिंदुस्तान दीवान को याद करेगा। भाई ये इंटरपोल वाले हमारे एसेट सीज करते करते हमारे रास्ते पकड़ते पकड़ते यहाँ तक भी आ सकते हैं। हम यहाँ से एक न्यूट्रल रास्ते से जाएंगे जहाँ पर कोई लॉ इंप्लीमेंट नहीं होता। तू एक जहाज का इंतजाम कर। ओके भाई। आरिफ, चक्रवर्ती के बारे में आप जो भी जानते हैं पूरा इन्फॉर्मेशन बताइए दीवान भाई को। हाँ मुनावर। चक्रवर्ती, दीवान और इरफान आईएसआई से हाथ मिलाकर आरडीएक्स से भरा हुआ यार्ड इंडिया भेज रहे हैं, जिससे ये बहुत बड़े धमाके कर सकते हैं। इन्हें किसी भी हालत में इंडिया पहुंचने से रोको। जय हिंद। क्या हुआ शंकर? गद्दार साला, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है, मगर कंपनी से गद्दारी करने वाले को मैं कभी माफ नहीं करूंगा। गद्दार निकले। पहले चक्रवर्ती ने गद्दारी की, फिर शेट्टी, अब मुनावर। अपने सारे दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ के मारेंगे भाई। मुनावर ने मरने से पहले चक्रवर्ती को आरडीएक्स के बारे में बता दिया होगा। हरामजादा साला। पर टेंशन नहीं है भाई, अब तक हमारा जहाज समंदर के बीचों बीच पहुंच चुका होगा, अब उसे रोकने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। अब देखता हूँ चक्रवर्ती हमारे बीच कैसे आता है। बीच में नहीं दीवान, सामने आऊंगा। इंडिया में ब्लास्ट की बात सुनकर कोई भी इंडियन चुप नहीं रहेगा दीवान। लेकिन तू यहाँ आया कैसे? चक्रवर्ती के आने का और जाने का पता इस दुनिया में किसी को नहीं मिलता, अगर मिल जाता तो वो अब तक जिंदा नहीं रहता। तुझे मेरे हाथों से मारूंगा। ये कोशिश तो तुमसे पहले बहुत से लोग कर चुके हैं, यहाँ पर मरने थोड़ी आया हूँ। अच्छा, तू क्या खुद को बहुत बड़ा मर्द समझता है बे? मर्द ही हूँ बे, इसीलिए तुम लोगों को डिस्ट्रॉय करने के लिए बेंगलुरु से यहाँ पर आया हूँ। मतलब? याद है दीवान, हंटर को दिया हुआ चैलेंज, तेरे सवाल का जवाब मैं ही हूं। लाजवाब चक्रवर्ती, लाजवाब। लेकिन दीवान कभी हारता नहीं है। इरफान, मार दे इस गद्दार को। आज तुझे बताता हूं इरफान क्या चीज है। Hey, shoot him! Shoot! Please! बेटा तू तो गया।
भरा हुआ जहाज हमारी तरफ आ रहा है, वो देखो। देश प्रेमी बनने का एक मौका हम दोनों को मिला है, उसे तुम बिल्कुल मिस मत करना। हमें जान से मारने के लिए आ रहा है।